हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा हटके है, हमारे चैनल की थीम से अलग है और आगे भी आपको इस थीम से रिलेटेड वीडियो मिलने लगेंगे अब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियो पॉलिटिकल इशू पे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो एक वीडियो देखने वाले हैं, कि आप अगर जानते हो कमर चीमा को, जो कि पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं और काफ़ी सारे हमारे न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाई देते हैं वो, और उनके बीच और एक साजिद तरार हैं जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, हालांकि है पाकिस्तानी ओरिजिन के मगर अभी अमेरिका में है, एंड ही इज़ अ प्रो ट्रम्प सपोर्टर। तो उनके बीच एक गुफ्तगू दिखाई जाएगी इसमें, जिसमें कि वो आए हुए हैं इंडिया साजिद तरार, और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और मोदी गवर्नेंस के अंदर उन्हें कैसा क्या समझ आ रहा है वो बताएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। अगर आप जियो पॉलिटिकल इशूज में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप हमारे दूसरे प्लेलिस्ट में जाके मूवीज के रिएक्शन, गेम्स के रिएक्शन और एनिमेशन सीरीज वगैरह के रिएक्शन है एक्सेट्रा, वो आप देख सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं हमारे वीडियो पे। कमर चीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं तारर, साजिद तारर साहब, और साजिद तारर साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारर साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है, और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारर साहब भारत आके? चीमा सर, ये इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस, सो वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ। और तो बड़ी चेंजेस देखी है मैंने, दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। मैं 5 साल पहले आया था, उससे भी ज्यादा है। और जब यहाँ पे आया हूँ, ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त, ट्यूलिप ही ट्यूलिप है हर साइड पे। और एक सबसे बड़ी बात ये है, खासकर यहाँ इस वक्त न्यू दिल्ली बहुत बिजी है। मैं इसमें दोस्तों ऑडियो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है शायद साजिद तरार के एंड से, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडिया से पाकिस्तान में बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा ऑडियो में इशू। एड को हम स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के देखते हैं कि आगे भी ऐसे हैंग हो रहा है कि नहीं ऑडियो। अभी मच बेटर है वीडियो। इंक्लूड होगा उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेंपल, हरमंदिर सब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज बोलते हैं इंदौर जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम, और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब सैडली चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी नो जस्टिफिकेशन कि इफ आई टेल यू कि फिर इंडिया इज मूविंग अप, और आप कहां खड़े हैं। चट्ठा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपोलॉजी नजर आ रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली द कंट्री इज इन केओस, पॉलिटिकल केओस। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने IMF की थ्रेट कर दी है कि हम IMF को लेटर लिखेंगे। हालांकि इज नथिंग टू डू विद ऑप्शन, कैन डू एनीथिंग विद IMF पैकेज, बट अनफॉर्चूनेट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। सैडली आई फील बैड अबाउट माय मदरलैंड, माय होमलैंड। लेकिन इस तारक साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या काम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चिमा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस पीस है और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे, और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में, यही मेरा मैसेज है। और मैं, दिस इज माय ख्वाहिश है कि मैं देख सकूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आऊं, उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशन दोस्तों, सभी चाहते हैं पीसफुल रिलेशन हो जाए, बट देन अगेन एक तरफ से तो कुछ होता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बायस ना हूं, और यही मैं मैसेज, मैं 2-3 से कल से हूं होटल के अंदर, आई मेट मेनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल, जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश हाँ, लोगों में कोई इशू नहीं है, जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है उसी के कारण है ये। तो और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है?
डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was like I told you, the whole city is full of tulips. Tulip festival going on, and I'm surprised. I'm America. I'm living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही feelings थी कि you can see the India rising. You can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, परफेक्ट, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूं। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम गोइंग थ्रू इट। होटल्स, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, आई हैवंट सीन, आई एम स्टेइंग एट ओबराय एंड ओबराय आई हैवंट सीन सच अ होटल स्पेशली हॉस्पिटैलिटी आई कैन नॉट फाइंड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ अमेरिका। ये दोस्तों कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जो खुद मतलब एक पाकिस्तानी भी है एक तरीके से, और वो खुद ही कह रहे हैं कि कितना अंतर उन्हें समझ आ रहा है। और जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे अपन के साथ, ट्रेड के साथ, तो वही ऑडियो फिर थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ा मैं इसको बढ़ा के देखता हूँ आगे। तो यही था कि इंटरनेट की बात करते, एक्सपोर्ट की बात करते, प्रोडक्ट पे की जाती। मैं सरदार जसदीप सिंह और साजिद तार साहब और अदर देन अरे भाई हैं, और तारर साहब की ये जान है, और के वो हमेशा, ये सरदार जसदीप सिंह हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और तारर साहब की ये जान है, और ये भी तारर साहब की जान है। जिनको नहीं पता, बहुत सारे दोस्तों को, ये सारे अमेरिका में इकट्ठे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दे आर लाइक फैमिली। और हमें भी सच्ची बात तो ये है कि जो एक इंट्रोडक्शन, जो प्यार सरदार जसदीप सिंह की तरफ से मिलता है, और भारत के बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मिलता है जब हम अमेरिका में होते हैं कभी, और तारड़ साहब तो ट्रस्ट मी, मैं आपको बता सकता हूँ कि तारड़ साहब ज़्यादा टाइम जो है वो अपने मीडिया के साथ गुजारते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन कन्फर्म यू, बिकॉज जब मैं कभी अमेरिका, मुझे जाने का मौका मिलता है तो हम तारड़ साहब के साथ होते हैं, तो द मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड इज़ आवर फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, not from the friends from Pakistan. ये नहीं है कि हम उनसे, वो तारड़ साहब मिलते नहीं है, definitely मिलते हैं, उनके साथ भी उतना ही है, लेकिन ज़्यादातर सुबह दोपहर शाम तारड़ साहब का जो उठना बैठना है, और इन दोनों का, मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, जिन लोगों को नहीं पता, an organization which साजिद तारड़ साहब is running and Sikhs of America, both of these organizations are doing tremendous work in terms of peace, in terms of bringing two nations together, in terms of giving a message of hope. Aur mujhe yaad hai thoda arsa pehle Sardar Jasdeep Singh aur Tar sahab ne ek bahut badi to dosto abhi to video thoda sa unka audio ho gaya to hum aage badha rahe hain to wo audio waise hi hai to abhi jo hum dekh rahe the wo Kamal Cheema apna view bata rahe the thoda तो जितना भी हमने देखा साजिद तरह की, जितनी भी हमने बात सुनी, देखिए उससे ये समझ आता है कि चाहे उस तरफ हो या इस तरफ बॉर्डर के, हर कोई चाहता है कि पीसफुल सॉल्यूशन निकले। बट देन अगेन, अगर पॉलिटिकल विल की बात करें, हमारी पॉलिटिकल विल की बात करें, उनकी पॉलिटिकल विल की बात करें, तो हमारी तरफ से तो कई बार कोशिश की गई है, उनकी तरफ से दूसरी कोशिश हुई है, जैसे मुशर्रफ जी थे उनके यहाँ तो उन्होंने कारगिल कर दिया था, तो इस तरह की कोशिशें। देखिए अब उनका कोई कंटेंट क्रिएटर होगा, वो हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोले, और इट इज वेरी नॉर्मल कि हम अपने देश को आगे रख के चले, तो ये बेसिक है, तो इसमें हेट करने की जरूरत नहीं है। बट बेसिक जो हमारा वो है वो ये है कि भाई दोनों देशों के बीच अच्छे से रहे ताल्लुकात, तो और सब बढ़िया हो, तो सब कुछ अच्छा चले। तो दैट बीइंग सेड, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको पसंद आए इस तरह के वीडियोज या जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पसंद है तो आप वो भी कमेंट में लिखिए, हम अब सब पे वीडियो बनाएंगे। दैट बीइंग सेड, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।